हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल दीप एडू जोन में। मैं हूँ दीपक कुमार। जैसा कि आपको पता है, उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया गतिमान है और कई सारी जो भर्ती थी वो निकल गई थी, लेकिन उसको फिर से बढ़ाया गया डेट को और फिर से संशोधित विज्ञप्ति जारी की जा रही है। एक एक करके सभी जिलों की विज्ञप्ति जारी हो रही है। उसी सिलसिले में आगे बढ़ते हुए रुद्रप्रयाग की भी अब आज जारी हो चुकी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो संशोधित विज्ञप्ति है, यहाँ पर रुद्रप्रयाग की संशोधित विज्ञप्ति आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर लिखा पत्र संख्या, ये है इसका जो विज्ञप्ति संख्या है वो आप ये डालेंगे। और कई बार पूछा जा रहा है कि पुरानी डालनी है विज्ञप्ति संख्या या नई डालनी है, तो सीधी सी बात है, ये संशोधित होकर विज्ञप्ति आई है। जब आप यहाँ पर आवेदन कर रहे हैं तो संशोधित विज्ञप्ति के लिए कर रहे हैं, तो इसीलिए आपको जो विज्ञापन संख्या है संशोधित विज्ञप्ति वाली ही डालनी है, ध्यान रखें। और साथ में दिनांक भी डालनी है। दिनांक यहाँ पर देख सकते हैं 2 जनवरी 2021। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कार्यालय के विज्ञापन संख्या पूरा आप देखिए, ये विज्ञापन संख्या है। दिनांक 20 नवंबर 2020 के द्वारा जनपद रुद्रप्रयाग राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में उत्तराखंड राज्य की प्रारंभिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 2012 में निहित प्रावधानों के अधीन जनपद के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक प्राथमिक उत्तराखंड ननूरखेड़ा देहरादून के पत्रांक संख्या, देहरादून का जो पत्रांक संख्या था ठीक है, उसके तहत जो ये भर्ती की जा रही है उसके आदेश संख्या के हिसाब से, तो आप यहाँ देख सकते हैं। तो लेकिन ये साफ बताया गया है कि जो न्यायालय है, उच्च न्यायालय के जो रिट है उसके अधीन रहेंगी। और आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि ये जो विज्ञप्ति है, ये संशोधित विज्ञप्ति इसलिए आई है क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो में कई बार बताया है कि विज्ञप्ति उनके लिए आई है जो लोग जिनका 29 जुलाई 2011 से पहले का BEd या BLed है, और वो इसलिए आवेदन नहीं कर पाए या इसलिए आवेदन उन्होंने नहीं किया कि उस समय जो बाध्यता थी अप्लाई करने के लिए, वो अप्लाई करने की बाध्यता उन्होंने रखी थी 50%। तो 50% थे वो, इस असमंजस में बने रहे कि हम अप्लाई करें ना करें, लेकिन बाद में कहा गया कि जो 29 जुलाई 2011 से पहले के करे हुए हैं वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, 50% से कम है भले तो भी वो अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कहा गया है। और उसके बाद अगर आप देखें तो दूसरी वजह थी, हमने आपको बताई थी, जो आयु पूर्ण कर चुके थे COVID-19 के कारण जो विज्ञप्ति है वो देर से निकाली गई, और देर से निकलने के कारण काफ़ी समय ऐसा ही निकल गया, और जो काफ़ी अभ्यर्थी थे जो थे वो अपनी आयु सीमा पूर्ण कर चुके थे। इसलिए अब बताया जा रहा है कि 1 जनवरी 2020 के हिसाब से गणना की जाएगी, ना कि 1 जुलाई 2020 को आपकी आयु कितनी है उसके हिसाब से गणना की जाएगी। तो आपको क्या करना है, और इसके साथ ही एक चीज़ और बता दें, जिन अभ्यर्थियों द्वारा अभी तक, यहाँ पर एक चीज़ आप आगे और देखें, बार बार पूछा जा रहा है वीडियो में कि भाई जो हमने मतलब कि हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, हमने उस समय अप्लाई नहीं किया, या हमारे जो हमने अप्लाई किया था लेकिन वो जो हमारे जो फॉर्म थे वो वापस आ गए, तो यहाँ पर देखिए साफ लिखा है कोर्स में प्रवेश, यहाँ पर लिखे इसके अतिरिक्त अभ्यर्थियों के अतिरिक्त, तो आवेदन करने वाले अभ्यर्थी, तो मतलब ये जो है अभ्यर्थियों के अतिरिक्त, जिन अभ्यर्थियों ने अब द्वारा अभी तक आवेदन नहीं किया गया है, तो जिन अभ्यर्थियों के द्वारा अभी तक आवेदन नहीं किया गया है वो भी, उनको भी प्रोविजनली रूप से आवेदन करने की शर्त व प्रतिबंध के अधीन अनुमति प्रदान किए जाने के रिक्त पदों की नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो साफ है, स्पष्ट है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है कि आपके फॉर्म वापस आ गए, आप अप्लाई नहीं कर सकते, या आप उस समय अप्लाई नहीं कर पाए, तो साफ लाइन लिखिए, इतना आप भी सब पढ़ रहे होंगे, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर आप साफ देख सकते हैं। तो और यहाँ पर देख लेते हैं लास्ट क्या है यहाँ पर, और इसके आवेदन की अंतिम तिथि देख लेते हैं। तो आवेदन की अंतिम तिथि, तो अभ्यर्थियों को आयु 1 जनवरी 2021 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर पढ़ सकते हैं आप, यहाँ लिखा गया है देख सकते हैं साहब। आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि, पूर्ण रूप से भरे गए आवेदन पत्र पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के द्वारा, दिनांक देख लें, दिनांक 20 जनवरी 2021। तो 20 जनवरी 2021 लास्ट डेट है, को स्वयं को 5 साय 5 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय स्वीकार किए जाएंगे। नियत तिथि एवं नियत समय के बाद अगर आवेदन आते हैं तो उनको स्वीकार नहीं किया जाएगा, और साधारण डाक और कोरियर दस्ती नहीं करनी है, आपको स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री करनी है। और साथ में आपको क्या करना है, 30 रुपये का डाक टिकट वाला एक लिफाफा लेना है छोटा वाला, और उसको उस बड़े लिफाफे के अंदर रखना है, और आपको सभी जो अपने जो अटेस्टेड हैं, जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अटेस्ट करना है, सेल्फ अटेस्ट करना है, स्वप्रमाणित करके भेजना है ठीक है। आवेदन पत्र के लिफाफे में मोटे अक्षरों में सहायक अध्यापक, देखिए आवेदन पत्र जब आप भेजेंगे तो इसमें लिखा है मोटे अक्षरों में सहायक अध्यापक, तथा आरक्षित वर्ग की श्रेणी, अगर आपके आरक्षित वर्ग की श्रेणी है तो अवश्य अंकित आपको करना है यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं ठीक है। तो इस तरीके से करेंगे, और जो आप बड़े लिफाफे में पता लिखेंगे वो लिखेंगे आप कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्राची ठीक है, और रुद्रप्रयाग,
इस तरीके से आप लिखेंगे, बाकी इसमें भी इसी तरीके से लिखना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, और आपको अगर पिछली जो जितनी भी संशोधित विज्ञप्ति आई हैं और अगर आवेदन के फॉर्मेट चाहिए, जो भी फॉर्म्स आए थे इसके पीआरटी के, प्राइमरी टीचर्स के, प्राथमिक शिक्षक भर्ती के, वो आपको मेरे टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएंगे। तो आप मुझे टेलीग्राम के चैनल पे फॉलो कर लें, और इसके लिए आपको इसका लिंक जो, या तो आप कमेंट बॉक्स में ले सकते हैं अगर वहाँ आपको नहीं मिल रहा है, आपको दिक्कत हो रही, या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर भी ले सकते हैं। तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।